सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग देखने के बाद आप भी बोलोगे क्या बात है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज सारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। सो गाइस, आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं रावण का विध्वंस करने वाले श्री राम प्रभु के पास। तो प्लीज यार ब्लॉग में बने रहिएगा, चलिए चलते हैं। सो गाइस, अभी हम मेट्रो में, हम हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन से समयपुर बादली के मेट्रो स्टेशन के पास जा रहे हैं। गाइस, हम यहाँ पे ऑटो का इंतजार कर रहे हैं 50 रुपए में, वो श्री राम प्रभु के पास के मंदिर में छोड़ देगा वहाँ पे। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं उस जगह पे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ गाइस, हम आ चुके हैं श्री राम मंदिर के गेट के अंदर हम आ चुके हैं। गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं ये मंदिर काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है दिखने में, और ये जो मंदिर है एक पार्क की तरह बनाया गया है। तो चलिए गाइस, मंदिर के बाहर का नजारा देख। और गाइस, ये है रवि जो मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं, यही हमें मंदिर के चारों ओर बताएंगे क्या है नहीं है, इस मंदिर के बारे में भी बताएंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और देखिए श्री राम मंदिर का मंदिर, बहुत ही अच्छा ये मंदिर है और यहाँ पे आप आराम कर सकते। और गाइस, ये जो रवि भाई है ये हर एक लोगों को गाइड करते हैं इस मंदिर के बारे में, और स्टूडेंट भी है अभी पढ़ते हैं, इनसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस मंदिर को। सो गाइस, हम मंदिर के दूसरी तरफ आ गए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। और इस साइड जो है टंकी, पानी की टंकी है, इस साइड टॉयलेट है। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, इस साइड यहाँ पे टॉयलेट है, आप इधर जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं मंदिर के अंदर। और मैं जानता हूँ कि आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस मंदिर के अंदर जाने के लिए, कमेंट में जल्दी से जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जल्दी लिखिए पहले जय श्री राम। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं दर्शन करने श्री राम प्रभु। गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे का नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में ये मंदिर, और ये जो मंदिर है ये रोड के पास ही पड़ता है। सो गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, और मैं थैंक यू सो मच कहूंगा रवि भाई का जिन्होंने मुझे परमिशन दी इस मंदिर के अंदर ये वीडियो बनाने का, क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं होती है वीडियो बनाने की। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे श्री राम प्रभु के भक्त हनुमान जी की मूर्ति है, और ये मैं आपको एकदम जूम पास से करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इस मंदिर को बनाया गया है हनुमान जी को। और गाइस, यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं श्री राम श्री राम यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मंदिर दिखने। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये श्री राम प्रभु का मंदिर है, और इस साइड में आपको लेके चलता हूँ, इस साइड बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया गया है। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये श्री राधे कृष्ण जी की मूर्ति है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पास से, ये बहुत ही अच्छे से बनाया गया है इस मूर्ति को। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी पंडित जी कहाँ गए हैं। सो गाइस, कमेंट में श्री राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, और आपके फेवरेट गॉड कौन है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ इस मंदिर के चारों ओर से, बोलो जय श्री राम। सो गाइस, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है रवि भाई के साथ घूमने में, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। ये रवि भाई मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर की ओर ले के जा रहे हैं, तो चलिए हम भी चलते हैं साथ में रवि भाई के, और ये ऊपर हम चढ़ रहे हैं। और गाइस, मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा रवि भाई का जो मुझे यहाँ तक भी ऊपर आने का मौका दे रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मंदिर दिखने में। तो चलिए गाइस, मैं आपको इस साइड लेकर के चलता हूँ, ये मंदिर बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पर घूमने ज़रूर आइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए झंडा है, जय श्री राम जय श्री राम बोलते चलो जय श्री राम। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मंदिर दिखने में, और ये हर एक झंडा लगाया गया है जय श्री राम का। आई होप गाइस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। ये जो वीडियो है मैं ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्त ना समीर है ना उमाकांत है, कोई भी नहीं आया है आज। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय श्री राम।